बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम के कलियों का नया डिज़ाइन बनाएंगे। शर्ट में हम कलियां बनाएंगे डिज़ाइनिंग से, जिसके लिए हमने बिस्मोसियाँ बनाई हैं कपड़े की, दो कलर की, कलर को मैचिंग करते हुए। और ये हमारे पास गोटे की छोटी सी मोसी है, और इस तरह से हमने रिंग बना लिए हैं। ओके, बहुत बार बनाने बता चुके हैं, इनकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे शर्ट को कटिंग करके कलियों के अंदर। इसकी कटिंग हमने कर ली है, जो कि अपने साइज़ के हिसाब से हमने 1.5 इंच बढ़ा के कट की है। 1.5 इंच हमने चौड़ाई ज़्यादा रखी है। हम इस तरह से भी बगैर कट किए रिंग्स और स्मोसी कलियों के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको कट करके बनाएंगे। इसके लिए ऊपर से हमने 3.5 इंच पे गले का निशान लगा लिया है, इधर हमारा गला बनेगा। और उससे आगे जो हमने बढ़ा के कपड़ा कट किया था, उसी को लेके 2 इंच पे निशान लगाया है। इधर से हम मापेंगे, हमारा 5.5 इंच पे आ रहा है। इसी तरह से हम सारे नीचे तक निशान लगा लेंगे, आपस में मिला के सीधा कर लेंगे। इस तरह से शर्ट की कलियों की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये वाले रिंग बनाने के लिए हमने तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ाई की पट्टी को इस तरह से अरेब में कट कर लिया है। अब हम इस पर बड़े पैर की इस तरह से सिलाई लगा के इसको पलट के सीधा करके इस्त्री की मदद से हल्का हल्का सा पानी लगा के गुलाई में अपना रिंग बना लेंगे। इस तरह से देखें, बिल्कुल हार्ड और सही वाला रिंग बना है। अब हम अपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने ये दरमियान वाला अपनी शर्ट का पीस लिया है, जिस पे हम बाद में गला भी बनाएंगे। ये हम अपनी रेड वाली स्मोसियाँ साइड पे कर देंगे, इनको हम गले में इस्तेमाल करेंगे। साइड पे हम कलियों में ये वाले रेड कलर के रिंग और ग्रीन वाली ये वाली स्मोसियाँ इस्तेमाल करेंगे। अब हमने अपना पहले रिंग रखा है, और ऊपर उसके ये वाली गोटी की छोटी वाली लैस रखी है। इस पर अब हम दरमियान में सिलाई चला देंगे। रिंग हमारा सिलाई लग चुकी है। अब हमने ये जो समोसियाँ बनाई थी, इनको पहले हमने इस तरह से 2 इंच का चौड़ाई और लेंथ में काट के कपड़े को इस तरह से इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लिया, अपनी ट्राइंगल बना ली थी। अब हम इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये वाली साइड हम इस तरह से नीचे वाली साइड को रखेंगे, और बाद में हम इसकी इस तरह से खोल के ऊपर को पत्ती बना देंगे। रिंग से हम थोड़ा सा फासले पे लगाएंगे। एक दूसरा हम ट्रायंगल उठाएंगे, उसको भी इसी तरह से इसके साथ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर बाद में हम ये वाला रेड कलर का जो रिंग हमने बनाया था, इस तरह से रख के ये हमने ट्रायंगल्स और रिंग्स इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। अब हमारा जो कंधे वाली साइड है, वो इसके साथ सिलाई करेंगे। इस तरह से हम अपनी शर्ट का पीस लेके साइड वाला इस तरह से रखेंगे, और जिधर हमने सिलाई लगाई है वो वाली साइड इस तरह से उल्टी करके इस तरह से सिलाई के ऊपर ऊपर दोबारा से सिलाई चला देंगे। एक साइड से इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग बन गई है। अब हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से बना लेंगे। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। ये हमने दोनों तरीज़ों में इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली है। अब हम ये जो हमने समोसियाँ बनाई थी, इनकी पत्तियाँ बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास बीट्स हैं, ऊपर ये लगाएंगे। इस तरह से अपनी पत्ती को पकड़ के ऊपर की जाने फोल्ड करते हुए ऊपर इस तरह से रख के एक मोती लगा लेंगे। ये हमारा ईद के लिए बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बनके तैयार होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा, ताकि हम आगे भी
अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें।